दोस्तों, इंटरनेट तो आज हम सभी यूज़ करते हैं और ऐसे में काफ़ी मज़ा आता है जाकर गूगल सर्च करने में। और यहाँ पर डार्क वेब एक इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि ना जाने कितने बड़े बड़े टेक्निकल कॉरपोरेशंस के थ्रू यूज़ किया जाता है, जिनमें से गूगल एक बहुत ही बड़ा नाम है। बट इसी बीच सवाल ये है कि डार्क वेब यूज़ करना इलीगल तो नहीं है? और अगर है तो फेसबुक, गूगल जैसे इतने बड़े कॉरपोरेशन इसका यूज़ क्यों करते हैं? तो चलिए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि डार्क वेब होता क्या है। बट डार्क वेब को जानने से पहले हम ब्राउजिंग को समझ लेते हैं। अगर हम ब्राउजिंग की बात करें तो ब्राउजिंग का सिंपली मतलब होता है डेटा सर्फिंग। ब्राउजिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है स्टैंडर्ड ब्राउजिंग और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स ब्राउजिंग। स्टैंडर्ड ब्राउजिंग के अंदर सिंपल ब्राउजिंग ऐप जैसे हमारे फेसबुक, गूगल, जिसमें नॉर्मली हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वाइल कॉम्प्लेक्स ब्राउजिंग, ये ब्राउजिंग कॉरपोरेशंस के थ्रू यूज़ की जाती हैं। कॉम्प्लेक्स ब्राउजिंग को समझने के लिए हमें वेब और उसके टाइप्स के बारे में भी समझना होगा। वेब की डेफिनेशन तो आपने काफ़ी बार सुनी होगी, और अगर सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ आप किसी भी प्रकार का डेटा अचीव कर सकते हैं। आप में से लगभग सभी लोग गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर यूज़ करते ही होंगे, बट क्या आप यहाँ से सारा डेटा अचीव कर सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या और कोई भी सोशल ब्राउज़र वेब का सिर्फ 4% पार्ट कवर करता है। जी हाँ, बस 4% पार्ट कवर करता है। और इसी को हम लोग सरफेस वेब के नाम से भी जानते हैं, वाइल रेस्ट ऑफ द पार्ट उसको हम डीप वेब कहते हैं, जिसे आप किसी भी नॉर्मल सरफेस ब्राउजर से सर्च नहीं कर सकते। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि हम डार्क वेब को किसी भी नॉर्मल सरफेस ब्राउजर से एक्सेस क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। आपने देखा होगा, आप जब भी गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम इन वेबसाइट के एंड में .in या .com जैसे डोमेन्स यूज करते हैं, वाइल डार्क वेब में हमें कोई भी वेबसाइट ओपन करनी होती है तो हमें .onion एज अ डोमेन यूज़ करना पड़ता है, जो कि सिर्फ डीप ब्राउजर में ही रन करता है। और अगर आप .onion एज अ डोमेन किसी भी नॉर्मल ब्राउजर में ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो वेब पेज ओपन नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि डीप ब्राउजर के अपने खुद के सर्वर और सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे Tor, 1-2-B एंड मैनी मोर। अब ये ऑनियन जो कि एक वेजिटेबल है, ये एज अ डोमेन क्यों यूज़ होता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। जैसे ऑनियन में काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं, मल्टीपल लेयर्स होते हैं, वैसे ही .onion डोमेन में एक फीचर होता है जिसकी वजह से एक आईपी एड्रेस डिफरेंट आईपी एड्रेसेस के साथ अपना डेटा शेयर करता है, जिस वजह से डीप वेब यूज़ करने वाले लोगों को ट्रेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनका आईपी एड्रेस बार बार बाउंस होता रहता है, यानी बदलता रहता है। अब सवाल ये है कि डीप वेब को यूज़ करना इलीगल तो नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं। टॉर ब्राउज़र नॉर्मली हर बड़ी कंपनी यूज़ करती है ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो सके। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि डीप वेब सबसे ज़्यादा US नेवी के द्वारा यूज़ किया जाता है, ताकि वो अपनी सिक्योर फाइल्स शेयर कर सके, वो भी बिना किसी की नज़र में आए हुए। डार्क वेब डीप वेब का उस पार्ट को कहा जाता है जहां इंटरनेट की हेल्प से यूज़र्स इलीगल काम करते हैं, जैसे कि ड्रग सेल करना, वेपन सेल करना, और डार्क वेब पे बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। एट लास्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप डीप वेब का यूज़ कर सकते हैं टॉर ब्राउज़र की हेल्प से, बट आप डार्क वेब से बचकर रहिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।